सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। जरूरतों के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। लोग भूल जाएंगे आपने क्या कहा, क्या किया, लेकिन वे यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। आज का पंचांग 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 8:08 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 10:19 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:12 से 1:39 तक रहेगी 39 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 4:06 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुला राशि 13 अक्टूबर 2021 दिन बुधवार, आज आपको कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलेगी, लेकिन चिंता ना करें, सब अच्छी खबरें ही होंगी। जिन कई चीजों के लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे वे आज पूरी होने वाली है। जिन कोशिशों को आप अपनी ओर से व्यर्थ मान चुके थे वे अनंतः आज सफल होगी। इसलिए आज दोस्तों और परिजनों के साथ खुशियां मनाएं। हो सकता है कि उनके पास भी आपको सुनाने के लिए कुछ अच्छी खबर हो। नए रास्ते पर चलते हुए अपने साहस पर भरोसा करें। बच्चों या दादा दादी को आपकी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। दूसरों के साथ अपनी रचनात्मकता शेयर करें और खाली समय या रोमांस का आनंद लें। जुए या जोखिम से बचें। अपनी समझदारी पर विश्वास करें और आप संतुलित व संतुष्ट महसूस करेंगे। आज वातावरण में उत्साह और उत्साह है। दफ्तर और अन्य मामलों को पीछे रखकर परिवार के मामलों में अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ लोग नया घर या नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। इनमें अपने प्रियजनों की सलाह जरूर लें। इंसान अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव शब्द का इस्तेमाल कायर करते हैं। आज के दिन महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय ग्रह गोचर आपको कुछ उपलब्धियां प्रदान कर रहा है। तरक्की के उचित अवसर मिलेंगे। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। नकारात्मकता की वजह से किसी के साथ विवाद हो सकते हैं। काम पर पूरा ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता होगी। जितना हो सके उतना कम संवाद बनाए रखें, वरना गलतफहमियों की वजह से तकलीफ बढ़ सकती है। काम से संबंधित बातों की डेडलाइन पर ध्यान रखें। पार्टनर आपको बार बार माफ कर सकता है। परंतु बार बार गलतियां ना करें। थायराइड से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। संतान पक्ष के लिए खास खर्च करना पड़ सकता है। नए निवेश के लिए अभी आगे ना बढ़ें। मांसपेशियों में खिंचाव रह सकता है। निकट का संबंध अंतरंग संबंध में बदल सकता है। अपने मित्रों की बात पर ध्यान दें। आंखों से संबंधित परेशानी रह सकती है। अपना ही कोई निर्णय बदलना पड़े तो बदल लीजिए। लाभ में ही रहेंगे। स्थान परिवर्तन के योग हैं। हड्डी के दर्द से पीड़ित हैं तो राहत मिल सकती है। पितृ वरदान वाले राजनेताओं का प्रमोशन हो सकता है। गायकों को अच्छा अवसर मिल सकता है। सांस संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। यात्रा फिलहाल टाल दें। दवा कारोबारियों के लिए संभल कर काम करने का दिन है। कमर का दर्द दुखी कर सकता है। सावधानियां। कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और आलस की वजह से बनते कामों में रुकावट आ सकती है। अपनी इन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। इस समय विद्यार्थियों को भी अपनी पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के साथ उनकी जरूरत संबंधी चीजों की शॉपिंग करना तथा उनके साथ समय व्यतीत करना संबंधों को और अधिक खुशनुमा बनाएगा। फिर संबंधों में भी नजदीकियां बनी रहेगी। अच्छा, आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज की जरूरत होगी। बहुत सारे मुद्दों पर बात ना करें, क्योंकि इससे आपके संबंध की शांति भंग हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत छोटी छोटी असहमतियाँ भी गंभीर विवादों का रूप धारण कर सकती है। आज चुप रहना ही बेहतरीन उपाय है। शांति बनाए रखकर अपनी संबंध की सहज शक्ति में विश्वास रखें। मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। रोमांस और अंतरंगता इस समय आपको उत्साहित कर सकती हैं। इसका आनंद लेने के लिए आपको भी प्रयास करने चाहिए। जुआ और अन्य बुराइयां आपको आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं, इसीलिए बुद्धिमत्ता से काम लें। आज आप अन्य मामलों की तुलना में अपने परिवार पर अधिक ध्यान देंगे। आपका दिन मस्ती में बीतेगा और आप अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करेंगे। प्यार से ज्यादा महत्व ना दें, क्योंकि प्यार पूरी उम्र साथ रहता है, पैसा नहीं। बात करते हैं करियर की। यह समय कल्पना से हकीकत में आने और अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो इस खेल को पहले अच्छे से समझ लें। नए अवसरों के लिए अपनी जीवन शैली और आदतों में थोड़ा सा बदलाव करें। वजुआ लॉटरी आदि से बचें। अपने पेशवर वातावरण के साथ साथ चीजों को आसान बनाने के लिए यह समय बेहतरीन है। आपकी नीतियों और रणनीतियों के अधिक सराहना की जा रही है, इससे आपकी प्रतिष्ठा और स्थिति दोनों में सुधार होगा। आज आर्थिक लाभ की भी संभावना है। आज जो किस्मत आपके पास है, आज जो विकल्प आपके पास है, वे आपके लिए बेहद लाभदायक हैं। आज आपको एक सुपर हीरो की तरह शक्तियां भी मिल सकती है। आपके लंबित कार्य और परियोजनाओं के पूरा होने के संकेत दिखाई देंगे। आप अपने करीबी लोगों के साथ आज मिल सकती हैं। अपनी टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आपका सहयोगी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है, इसलिए चालाकी से काम लें। आप अपने पुराने निवेश पर ब्याज मिलने से हैरान हो सकते हैं, जिसे आपने लगभग भुला ही दिया था। कार्य क्षेत्र में व्यवसाय गतिविधियां धीमी ही रहेगी। सहयोगी और कर्मचारियों के बीच मतभेद भी हो सकते हैं, जिसका असर बिजनेस पर पड़ेगा। नौकरी पेशे लोग अपनी फाइलें व दस्तावेज ध्यान पूर्वक संभाल कर रखें। बात करते हैं सेहत की। गले और छाती में कफ कोल्ड की वजह से परेशान रहेंगे। लापरवाही ना बरते तथा उचित इलाज लें। पिछले कुछ समय से आप अपने वजन में बढ़ोतरी भी महसूस कर रहे हैं। आप इसके बारे में काफी जागरूक भी हैं, लेकिन आप इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आज आपको इसके बारे में कहीं से कोई डाइट रूटीन मिल जाए। आप हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यस्त सड़कों पर ना घूमें। आपको धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है। मास्क पहनकर चलें। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें, वरना आपको ही बाद में परेशानी होगी। आज का उपाय। आज आप दुर्गा माता जी को सिंगार चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।